सिंदरी से बलियापुर के रास्ते में, रास्ते में। वाव आने वाले टाइम में जब धनबाद से रास्ता उधर से ब्लॉक हुआ तो सभी लोग बोलते हैं किधर से ही रास्ता चला। क्या बात है, अगेन फिर मिला। ये देखिए क्या बात है, सभी लोग दोस्ती निभा रहे हैं। वाह रहेगा गाड़ी वाला, जाने दे भाई, नहीं जाने देगा, तब मैं पार कर जाऊं। चारों तरफ पहाड़ है, जंगल है और नीचे है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, फिर से आप सभी का हमारे इस छोटे से मोटो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कहाँ नहीं जा सकता, क्या है क्या नहीं है। अभी हम लोग हैं सिंदरी से बलियापुर के रास्ते में और ये देखिए ये ग्राउंड है जहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा फंक्शंस होते रहते हैं। आप तो कुछ भी यहाँ, शायद एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी, ये बहुत बड़ा लोकेशन है। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, क्रिकेट टूर्नामेंट, बीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट, बलियापुर प्रीमियम लीग होगा नाम इसका, सर बहुत खूबसूरत। हाँ तो बात मैं क्या कर रहा था कि रास्ते माइक खराब हो रहा होगा, सॉरी, बलियापुर का बात कर रहा था। ये देखिए यहाँ पर जो ये जो लोकेशन है, एज कम्पेयर टू झरिया पाथलडी टू धनबाद, एज कम्पेयर टू सिंदरी टू धनबाद, बहुत अच्छा रास्ता है। बलियापुर होते हुए, गोविंदपुर होते हुए हम लोग निकल रहे हैं, बहुत अच्छा रास्ता है। यहाँ हमारी गाड़ी एकदम अराउंड द चाको हमारी क्रूज चलेगी। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि इधर क्लाइमेट बहुत अच्छा है, सिचुएशंस है। ये देखिए दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं सभी लोग, बाइक से साइकिल को पकड़े हुए हैं और चला रहे हैं, और क्या चाहिए। चलते चलते रास्ते में, वाव बड़ा शानदार किया है। ये रास्ते में तो गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है, रीजन जानते हैं क्योंकि ये पूरा साफ सुथरा एरिया है। और ये देखिए प्रशासनिक भवन, ये शायद इसी का है, क्या बोलते हैं, ऋषि भवन। और ये झारखंड पब्लिक स्कूल बलियापुर। आने वाले टाइम में जब धनबाद से रास्ता उधर से ब्लॉक हुआ तो सभी लोग बोलते हैं किधर से ही रास्ता चलेगा। ये चीज का अनुमान है हमें भी आने वाले टाइम में, इतना दूर। ओहो क्या बात है, अगेन फिर मिला। ये देखिए क्या बात है, सभी लोग दोस्ती निभा रहे हैं। वाह एक से एक खूबसूरत कलाकारी नमूना है यहाँ। एक चीज तो बहुत बोल सकते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग ट्रैवलिंग ये बहुत रोमांच भरा एडवेंचर थ्रिल रास्ता है। रास्ते खत्म नहीं होते हैं, चलते जाते हैं लोग, लेकिन मजा तभी आता है जब इंजॉयमेंट होता है। ऐसा रास्ता रहेगा ना तो किसी भी इंसान को, कोई भी गाड़ी हो चाहे साइकिल क्यों ना हो, बहुत मजा आता चलाने में। अभी हम लोग आ गए हैं चौक पे और इस चौक से हम लोग सीधा लेंगे ताकि हम लोग गोविंदपुर जा सकें। अगर हम लोग टर्न बैक इधर साइड लेफ्ट साइड अगर ले लेंगे, अगर हम लोग इधर लेफ्ट साइड लेते हैं तो ये धनबाद जाएगी और धनबाद थोड़ा सा लॉन्ग टूर पड़ जाएगा। इधर आइडिया नहीं है, मैंने कभी ट्रेवल किया नहीं इधर, मैं इधर शायद एक बार जमीन देखने आया था बस मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। फिलहाल अभी हम इस मार्केट को पार करते हैं, जो आ रहे थे रुक जाइए, पार करने दीजिए मुझे यहाँ से, नहीं तो ये मुझे झेलाते रहेगा गाड़ी वाला। जाने दे भाई, नहीं जाने देगा।
ये अपने सुर में है, अपने सुर में। यहाँ इधर साइड में ना बहुत एक अच्छा लोकेशन है। अब मुझे शायद अब मैं पार कर जाऊं। बोलना ये चाह रहा था कि अभी फिलहाल मैं जस्ट रोड ट्रिप कर रहा हूँ। रोड में किस तरीके का है, क्या है, मैं वो चीज कवर कर रहा हूँ। यहाँ आगे में बहुत खूबसूरत जगह है, जो मतलब कि परफेक्ट एकदम लगता है कि आप कहाँ पर हो। नहीं पड़ेगी बहुत जल्दी, क्योंकि इतने सराउंडिंग, आवाज सिर्फ हमारी बाइक की और हमारी आनी चाहिए और किसी की नहीं। लेकिन हमारी आवाज ऐसा नहीं लग रहा है कि फिलहाल, मुझे तो पता नहीं, मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को तो मैं देख नहीं सकता हूँ। और अक्सर ये चीज होता है कि लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और उस वक्त मोबाइल से चेक करते हैं, तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग इस चीज को अवॉइड करें। नहीं होगा, हम लोग फिर कभी बना लेंगे, नेक्स्ट बार बना लेंगे, लेकिन रिक्स नहीं लेंगे। चलाते टाइम कभी भी कैमरा में नहीं देखना है। आपने स्टार्टिंग में, आप सबसे बेस्ट है कि अपने जो एंगल्स है, वॉइस है, कैमरा का, सब पहले से रिकॉर्डिंग मोड में डाल के फिक्स करके तब माउंट करें। इससे क्या होता है ना कि दिक्कत नहीं होता है। अब चलती गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने के बाद आप कैमरा पकड़ के कैमरा में ध्यान दोगे कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं है, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, इससे क्या होगा ना, हार्म होगा। हार्म क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा कैमरा पे, और कैमरा पे भटकने से एक चीज का होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी किधर है किधर नहीं है, एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा रहता है। और यही एक कारण है, और इसी के वजह से जो बेस्ट बोल रहे हैं, जो मेन फैक्टर है, इसी के वजह से कुछ स्टेट में इंडिया के मोटो ब्लॉगिंग को बैन किया गया है कि आप कैमरा माउंट करके नहीं चला सकते। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग ऐसा कुछ ना करें, और आप सभी भी अवॉइड करें। जो बाइक लवर्स हैं, जिनको एडवेंचर्स पसंद है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग ऐसा ना करें, और नहीं करने से ही बेहतर है, क्योंकि जितनी कम एक्सीडेंट खासकर इसके रीजन से हो पाएगा, हम ही लोग के लिए सेफ्टी है कि आप अपना सारा काम कर सकते हो। बहुत ही रोमांचक जल्दी हो जाती है, आसनसोल 60 किलोमीटर चौड़ाई। हाँ, ये देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना, ये वही लोकेशंस है। ये लोकेशंस में आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहाँ का ये लोकेशन को कैप्चर किया गया है, बनाया गया है, क्या है। हमको बहुत ही ब्यूटी नजर आया था उस दिन, तो मैं सोचा था कि कोई ना कोई एक मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा कभी ना कभी, तो मैं जरूर इस जगह को शूट करूँगा अपने कैप्चरिंग डायरी में। ओह माय गॉड, हमारा सॉकर का सत्यानाश हो जाएगा इस तरीके से, देख सकते हो। ये जो है आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चारों तरफ पहाड़ है, जंगल है, और नीचे अजीब लगा था मुझे। छोटा सा है क्लिप, मतलब कि बोल सकते हैं छोटा सा सीनरी है, लेकिन ऑसम सीनरी है। देख के मैं तंग आ गया था, तंग मतलब वो परेशानी वाला तंग नहीं, शॉकिंग वाला तंग, दो तरीके के ना बोले जाते हैं, एक शॉकिंग भी बोल सकते हैं और तंग भी बोल सकते हैं। अभी थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर उधर भटक गया था बाइक चलाते समय, मेरी गाड़ी सोकर डिस्टर्बेंस हो गया था। देखिए, अभी हम लोग हैं एक्चुअली पहाड़ पे चल रहे हैं सराउंडिंग करके, लेकिन ज्यादा सा अभी हम लोग को पता बिल्कुल नहीं चल रहा। रीजंस है क्योंकि ये रास्ते जो काटे हुए हैं, बनाए हुए हैं, वो टिपिकली टाइप से, मतलब कि सिचुएशंस के हिसाब से बनाए हुए हैं। हवा तो बहुत तेज चल रही है, माइक मुझे पता नहीं कि माइक का क्या सराउंड होगा, क्या किस तरीके से आवाज होगा, आई डोंट नो।
जी बलियापुर थाना स्टार्टिंग यहाँ से हो गया। वाओ सेफ जोन में जा रहे हैं, कोई रश ड्राइविंग नहीं हो रहा है और हमें रश ड्राइविंग करनी भी नहीं। रश ड्राइविंग के लिए अलग, भैया आप अपना ड्राइव कर रहे हो, अगर ज्यादा आपको रेसिंग करनी है तो आप स्पीड रेसिंग में जाओ, वहां जा सकते हो। धनबाद क्या होता है दूर है, गिरिडीह 55, जामताड़ा 63, आसनसोल 52, रानीगंज 20 किलोमीटर, राजगंज सॉरी, यानी धनबाद यहाँ से 4 से 5 से 6 किलोमीटर होगा जहाँ हमारा ऑफिस है बरवड्डा सॉरी। और देखिए अभी हम लोग आ गए हैं कोलकाता दिल्ली शायद जीटी रोड, इसको बोलते हैं जीटी रोड, ग्रेट ट्रंक रोड आई थिंक यही है शायद, ये आपको बहुत दूर तक जोड़ती है। चलिए आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहा, हम लोग मिलते हैं फिर कभी, फिर कभी क्या, कल के ब्लॉग में फिर हम लोग राजी रहेंगे। अभी तो मैंने क्या कहा आप सभी को कि मैं अभी हर एक ब्लॉग को लोकेशंस को ट्रैक कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, समर्थन सपोर्ट चाहिए आप सभी का जितने भी नए लोग हैं, और कमेंट सेक्शन में जो भी गलती हो रही है चाहे किसी चीज़ की वो आप हमें सजेशन दें ताकि हम उसे ठीक कर सकें। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, उसको ठीक करना है, तभी हो पाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रहें और गाड़ी सही से चलाएं, दारू पीकर नहीं चलाएं गाड़ी, नशा में तो बिल्कुल ना चलाएं, और अगर आपको नींद लगे तो सो जा रहे, एक बार पानी जरूर चेहरे पर मार दें। चलिए ओके, तब के देव बाय, खुदा हाफिज, ऊपर वाला आप सभी का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हम लोग का भी लोकेशन थोड़ी देर में आ जाएगा, इस रोड का मैं कभी फिर कभी बनाऊंगा, ये लोकेशन भी दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।